नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ जनश्री राजपूत और खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं अभी की हेडलाइंस पर। पहले पत्नी और अब पति संभालेंगे सरपंच पद की कमान। 640 वोटों से हुए थे विजयी। आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण कार्य लगभग 7 से अधूरा। वर्तमान में आंगनबाड़ी का कामकाज किया जाता है सामुदायिक भवन। और छत्तीसगढ़ में नर्मदा से सालहेवारा सड़क का नहीं हुआ निर्माण, दुर्घटना में बने रहते हैं हालात। और अब खबरें विस्तार से। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी अरुण शर्मा ने आदेश अनुसार शिवगंज शहर में आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पॉलिथीन जब्त करने का अभियान नगरपालिका सफाई निरीक्षक नरेश डांगी को देखरेख में चलाया गया। इस अभियान के तहत शहर के मुख्य बाजार छानवी बस स्टैंड के आसपास लहरी वालों और दुकानदारों के पास से पॉलिथीन जब्त कर चालान काटा है। नरेश डांगी ने बताया कि पालिका द्वारा शहर में 76 किलो पॉलिथीन जब्त की गई है। इस अभियान में सहायक वीरेंद्र प्रताप सिंह, कार्यवाहक जमादार विक्रम कुमार आर, सफाई कर्मचारी प्रवीण कुमार, कैलाश कुमार और सतीश कुमार मौजूद रहे। और खबर विराटनगर से है। विराटनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत छितोली में विकास कार्यों में अव्वल रहने वाले सरपंच ममता दायमा के पति शीशराम दायमा को जनता ने एक बार फिर से चुना है। आपको बता दें कि विराटनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायतों में सर्वाधिक विकास ग्राम पंचायत छितोली में हुआ था। इन्हीं विकास कार्यों की वजह से आज इनके पति 640 वोटों से विजयी रहे, जिनकी पीर की गुणी में भव्य स्वागत किया गया। और गोगुंदा तहसील से 15 किलोमीटर दूर राजस्व गांव मन्ना की जुड़ा गांव में 7 साल पहले आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन उस समय थोड़ा कार्य तो किया गया था। बाद में कुछ राजनेताओं द्वारा कार्य बंद कर बजट नहीं होने के कारण ये कहकर आंगनबाड़ी कार्य का निर्माण बंद कर दिया, जो 7 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। और अब जहां आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जिस जमीन पर निर्माण हुआ है, उस जमीन पर कांटेदार झाड़ियां उग गई। आपको बता दें कि वर्तमान में आंगनबाड़ी का पूरा कामकाज गांव मना सामुदायिक भवन में किया जाता है। और शमशान आगेर के दिशा निर्देश में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मेटला सिटी में व्यावसायिक शिक्षा को लेकर मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में मुख्य अतिथि रामदेव सिंह पूनिया, वरिष्ठ अतिथि मेड़ता पंचायत समिति विकास के डॉक्टर मूला राम जाकू आ रहे हैं। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी है, जिन्होंने कार्यक्रम में आए अतिथियों का मन मोह लिया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद भी दो राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे अंतर्राष्ट्रीय सड़क है। इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों की संख्या में गाड़ियों का आवागमन होता है। आपको बता दें कि सिंगल सड़क होने के कारण प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो जाती है। कई बार संबंधित प्रशासन को अवगत करने के बाद भी आज तक सड़क का चौड़ीकरण नर्मदा से सालहेवारा तक नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में सभी सड़कों का चौड़ीकरण हो चुका है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नर्मदा से सालहेवारा सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। इसी के साथ खबर दोपहर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।